गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर की, जिसमें सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ और प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान के बारे में बताया था। सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो कोई भी सामाजिक घटना है, सामाजिक व्यवहार है, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए एक उपयोगी विधि है, क्योंकि ऐसे अध्ययन जहाँ हमारा विस्तृत क्षेत्र होता है और हमें प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर सामाजिक सर्वेक्षण विधि ही सर्वाधिक उपयुक्त विधि सिद्ध होती है। सर्वेक्षण का पहले हम अर्थ देखते हैं। सर्वेक्षण इंग्लिश के सर्वे शब्द से बना है, सर्वे का हिंदी रूपांतर है। अगर हम सर्वे को दो भागों में बांटते हैं, सर प्लस वे, तो सर का अर्थ होता है ऊपर तथा वे का अर्थ होता है देखना। साधारण शब्दों में सर्वे का अर्थ ऊपर से देखना है, अर्थात किसी भी घटना या परिस्थिति का ऊपरी निरीक्षण जब हम करते हैं तो वो सर्वेक्षण कहलाता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार सर्वेक्षण का अर्थ सही सूचना प्रदान करने के लिए एक आलोचनात्मक निरीक्षण अथवा विशेष दशाओं में किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करना बताया गया है। यानी कि सर्वेक्षण के माध्यम से हम सही सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और वो सूचनाओं को किन दशाओं में या उसकी जो विशेष दशाएं हैं उनका भी हम अध्ययन उसमें कर सकते हैं। समाजशास्त्रीय शब्दकोश में फेयरचाइल्ड ने के अनुसार एक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा उसके किसी एक विशेष पक्ष जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि के संबंध में व्यवस्थित रूप से पूरी तरह से तथ्यों को संकलन करना और उनका विश्लेषण सर्वेक्षण कहलाता है। यानी कि सर्वेक्षण किसी भी जो एक सामुदायिक जीवन है उसका, चाहे तो संपूर्ण जीवन हम ले सकते हैं, चाहे उसका एक हम पक्ष ले सकते हैं, जैसे आपको बताया स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मनोरंजन है, इनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनका इकट्ठा करना और उनको विश्लेषण करना हम सर्वेक्षण के द्वारा कर सकते हैं। मोजर के अनुसार सर्वेक्षण किसी क्षेत्र की खोज का तथा अध्ययन विषय से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली सूचनाओं को एकत्रित करने की एक अत्यंत उपयोगी विधि है, जिससे समस्या को प्रकाश में लाया जाता है और आवश्यक बातों की ओर संकेत किया जाता है। क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र में जाता है, वहाँ सूचनाओं को, घटनाओं को देखता है और जो विषय से प्रत्यक्ष संबंध रखती हैं सूचनाएं उनको वो एकत्रित करता है, इसलिए उसको एक उपयोगी विधि कहा गया है। और जब हम समस्या को डायरेक्ट जो है हम उससे जुड़े हुए तथ्यों को एकत्रित करते हैं तो उससे समस्या को भी पता लगाने में आसानी होती है। हैरिसन के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सामाजिक दशाओं तथा समस्याओं के अध्ययन और विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी समाज का कोई भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो भी समस्याएं पाई जाती हैं उनकी सामाजिक दशाएं क्या हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मनोरंजन का क्षेत्र है या व्यवसाय का क्षेत्र है, इन सब से संबंधित जो है आंकड़े एकत्रित हम
कर सकते हैं सर्वेक्षण के माध्यम से, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि हम मनमाने तरीके से, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके हम इसमें तथ्यों को एकत्रित करते हैं। अम्ब्राम्स के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की घटना तथा उसकी क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में परिमाणात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो बात मोजर कह रहे हैं या डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कहा गया है, तो उसमें सबका यही मानना है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी सामाजिक समूह या उसकी घटनाओं या उसकी क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में हम परिमाणात्मक तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। उसके अलावा बर्गेस के अनुसार किसी समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं और आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वेक्षण है। यानी कि सर्वेक्षण क्या है कि किसी समुदाय का अगर हमें विकास करना है, उसके लिए कोई कार्यक्रम बनाना है, तो उसकी दशाओं और उसकी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए भी हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। सर्वेक्षण जब सामाजिक क्षेत्र में किया जाता है तो उसे हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। सामान्य रूप से सर्वे जो है, सर्वेक्षण जो है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में किसी आवश्यकता को पूरा करने से पहले किया जाता है। मान लीजिए कोई इंजीनियर है, उसे बिल्डिंग बनानी है, तो वो भूमि के देख करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों का एक जायजा लेता है और उसके बारे में वहाँ की स्थिति देख करके उसका भूमि की नाप के आधार पर उसका जो है आवश्यकता और उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कितनी लगेंगी, इन सब के बारे में एक जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी तरह से जब हम ये सर्वेक्षण सामाजिक संदर्भ में करते हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र के बारे में वहाँ पर उसकी जानकारी प्राप्त करनी है, उनके विकास के लिए हमें योजनाएं बनानी है या अन्य कोई आवश्यकता है, तो वहाँ पर एक सर्वे किया जाता है कि वहाँ पर उनकी दशाएं क्या है। शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, खाने की है, या कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनको पूरा करके उन्हें मुख्य समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से करते हैं। आप देखते हैं कभी भी जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो वहाँ का दौरा किया जाता है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या हमारे देश के अन्य मंत्री हैं, तो उसका दौरा करने का मकसद क्या होता है वहाँ पर, कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और उसे कितने जन धन की हानि हुई है और उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। लोगों को बचाना, उनके जीवन को बचाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, इन सब चीज़ों के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस तरह से सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा किसी समूह या समुदाय के सामान्य जीवन से संबंधित सामाजिक दशाओं अथवा विशेष समस्याओं को समझने के लिए ये सामाजिक तथ्य और घटनाओं का अध्ययन इसमें कि इसके द्वारा किया जाता है। इनके आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन्हें आवश्यकता अनुसार सामाजिक विकास अथवा सुधार या जन कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इसके बाद है सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति में पहला है इसके भौगोलिक सीमाएं होना। यानी कि जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो उसकी कोई ना कोई भौगोलिक सीमा होती है। जैसे हमारे अध्ययन की विषय वस्तु कोई नगर होगा, कोई गली होगी, कोई मोहल्ला होगा, कोई कस्बा होगा, इसके आधार पर ही सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। उसमें रहने वाले निवासी समुदाय सर्वेक्षण की अध्ययन सामग्री समझे जाते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण क्षेत्र को कुछ न कुछ भौगोलिक सीमाएं उसकी निश्चित करना आवश्यक होता है। कोई हमारा गांव हो सकता है, जनजाति समूह हो सकता है,
उसके बाद है जीवन दशाओं से संबंधित। सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः समूह या समुदाय रचना अथवा उसमें पाई जाने वाली दशाओं से घनिष्ठ संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत समूह के सामान्य जीवन से संबंधित क्रियाओं सामूहिक व्यवहार को विशेष महत्व दिया जाता है। सामाजिक जीवन, सामुदायिक लक्षण, पारस्परिक संबंध, वहाँ के निवासियों की आवश्यकताएं और समस्या का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है उस समूह में रहने वाला, चाहे कोई नगर, गांव, कस्बा, मोहल्ला, जो भी हमने लिया है, उससे संबंधित लोगों की जीवन दशाओं का अध्ययन हम उसमें करते हैं। इसके अलावा है रचनात्मक आधार। रचनात्मक आधार का अर्थ है कि सामाजिक सर्वेक्षण जो विघटनकारी तत्व हैं तथा सामाजिक समस्या जैसे बेकारी है, निर्धनता है या निरक्षरता है, अपराध है, का ही विशेष अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। बर्गेस के अनुसार इन्हीं के आधार पर रचनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाती है। रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा का तात्पर्य होता है कि जो विघटनकारी तत्व है या विघटनकारी या स्थितियां हैं कि वहां पर निरक्षरता है तो किस कारण से है, अपराध है तो किन कारणों से है, गरीबी है तो किस कारण से है, इन सबको जानने का प्रयास करके और उनको हटा करके उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके अंतर्गत निकाले गए निष्कर्षों और सामान्यकरणों पर सुझाव आधारित होते हैं जो समस्या के निवारण तथा समाज सुधार तथा प्रगति के लिए आवश्यक हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो जो अध्ययन करता है, जो तथ्यों को देखता है, उसके आधार पर सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उसके द्वारा कुछ उस समूह को के विकास की योजनाएं बनाने में वो सहायता मिलती है। उसके अलावा है तथ्यों की वैश्विकता। तथ्यों की वैश्विकता का मतलब है कि जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उसमें यथासंभव ये ध्यान रखा जाता है कि कोई पक्षपात ना हो। यानी कि जो स्थिति जैसी है उसे तटस्थ होकर के एक निरीक्षक की दृष्टि से घटनाओं को देखने, समझने और उन तथ्यों को संकलित करने का प्रयास किया जाता है। सर्वेक्षण को व्यक्तिगत प्रभाव से बचाकर उसमें व्यक्तिकता, वैश्विकता और तटस्थता लाई जाती है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत प्रभाव आ जाते हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसमें हावी हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां अध्ययन के लिए सही नहीं होती। क्योंकि सर्वेक्षणकर्ता का मकसद क्या है? सर्वेक्षणकर्ता का मकसद है वास्तविकता को सामने लाना, जैसी भी हैं वो, अच्छी हैं, बुरी हैं, वहाँ पर अच्छे बुरे का मतलब नहीं है, वहाँ पर वास्तविकता का मतलब है और उसी के आधार पर तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तो एक तरीके से वैज्ञानिक रूप में, एक वैज्ञानिक की भांति, निरीक्षक की भांति वो अध्ययन करता है। उसके बाद है वैज्ञानिक प्रकृति। यानी कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है और ये लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न जो कारण और परिणाम हैं उनको विभाजित करके उन तथ्यों को के विशेष लक्षणों के आधार पर अलग अलग किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। इन्हीं के आधार पर सामान्यकरण निकाले जाते हैं, प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है और तथ्यों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करने की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो भी अध्ययन है वो मनमाने तरीके से नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है, व्यवस्थित ढंग से किया जाता है।
उसके अलावा है सहकारी प्रक्रिया। कुछ विद्वान जो है सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया मानते हैं, और सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है क्योंकि निश्चित भौगोलिक सीमाओं और स्थिति में रखने वाली जो समस्या हैं, संबंध हैं, दशाएं हैं, उनके उपचार और अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष, तथ्यों का सुझाव को भी वो इस तरह से प्रस्तुत करता है जो यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए शक्ति बन सके। कहने का तात्पर्य है कि लघु क्षेत्र का अध्ययन तो अकेले किया जा सकता है, किंतु जब बड़े पैमानों पर समस्याओं की जानकारी करनी होती है तो सामूहिक रूप से अनेक विशेषज्ञ मिलकर के इसे पूरा करते हैं, इसलिए इसे एक सहकारी प्रक्रिया या सहकारी प्रयास माना जाता है। क्योंकि कई सर्वेक्षण बहुत लंबे चौड़े होते हैं, और जैसे जनगणना है, इससे संबंधित जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं हर 10 साल के बाद, आप जानते हैं जनगणना संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, और वो एक सर्वेक्षण के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो सहकारी प्रक्रिया की अकेला व्यक्ति ना करके उसमें कई लोग या समूह के कई सदस्य जो होते हैं वो उसका अध्ययन करते हैं, और ये भौगोलिक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उससे संबंधित दशाओं का उपचार, इन सब चीज़ों में वैज्ञानिक अध्ययन का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे हैरिसन विद जो हैं वो सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रयास बताते हैं। उसके अलावा है परिमाणात्मक पक्ष, यानी कि इससे जो परिमाणात्मक जो तथ्य हैं वो एकत्रित किए जाते हैं, और सामयिक सर्वेक्षण के द्वारा जो संकलित तथ्य हैं उसमें उनकी प्रकृति या उनकी प्रवृत्ति जो है वो परिमाणात्मक होती है। इसी कारण इसके प्रयोग में आजकल वृद्धि हो रही है। सामयिक समस्याओं को परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण ही अम्ब्राम्स ने भी ये बात कही थी कि सर्वेक्षण को विशेषकर केवल परिमाणात्मक तथ्यों से ही संबंधित माना है। ये परिभाषाओं में मैंने आपको बताया भी था कि इसमें अधिकांश तथ्य जो हैं वो आंकड़ों के रूप में एकत्रित किए जाते हैं, जो सामयिक समस्याओं को प्राय एक स्पष्ट इंगित करते हैं, और उनका जो एक वस्तुनिष्ठता कहना चाहिए इसकी वो बनी रहती है। धन्यवाद।